हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को MSP मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। हर MP इंडिया ब्लॉक के अपने ही राज्य के बारे में प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे नहीं हो सकता। जब हमारे 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है और आप सब चीज़ें सिर्फ 2 राज्यों के दे दी क्योंकि उनके साथ आपकी कुर्सी बचाता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अन्याय है और इसके लिए सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर लगातार अब हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से आपने सुना, अखिलेश यादव हो या शशि थरूर, उनकी तरफ से इस बात को दोहराया गया कि आखिर कैसे 2 राज्यों के साथ ही सिर्फ यहां पर दिखाया गया है कि कैसे 2 राज्यों को सीधा फायदा पहुंचाया जाए, बाकी राज्यों का ख्याल नहीं रखा गया है। आपको यह भी बता दें, राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने आरोप लगा दिया है कि किसी को कुछ भी नहीं मिला है, बिहार को भी डुगडुगी दिखा दी गई है। क्या कहा जया बच्चन ने, सुनिए। इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा है, जया बच्चन जी, महाराष्ट्र को भी निगलेक्ट किया गया है इस बजट में, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र को मिला कुछ? किसी को कुछ नहीं मिला, बिहार को भी उन्होंने डुबडुबी दिखा दी। की सरकार तो करिए, देश को आगे ले जाएंगे, ले जाए किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ। 50,000 स्टूडेंट्स यूथ को नौकरी देंगे, जो 25,000 पहले से वेट कर रहे हैं उनका क्या? तो जया बच्चन को आपने सुना, उनकी तरफ से तो ये भी कह दिया गया कि चूंकि लगातार विपक्ष तो आरोप लगा रहा है बिहार को भी यहाँ पर ज्यादा दिया गया है, बिहार आंध्र प्रदेश, लेकिन जया बच्चन ने कहा कि बिहार को भी कुछ नहीं मिला, बिहार को भी डुगडुगी दिखा दी गई है। दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन में शामिल समाजवादी पार्टी के सांसदों का आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है। केंद्रीय बजट को लेकर अब विरोध प्रदर्शन राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस के बाद सपा भी संसद में अपना विरोध दर्ज कराएगी। हमारे साथ बात करने के लिए सपा से सांसद हैं और ये बताइए इधर कि आप अब ये पगड़ी वगैरह पहन के यहाँ पर आप जाएंगे, किस तरीके से बजट को लेकर आप अपना विरोध दर्ज कराएंगे? बिल्कुल, ये पगड़ी बलिया किसान है और मैं, आप देख लीजिए, बजट में किसानों के कर्ज माफी का कुछ है नहीं, पुरानी पेंशन देश का मुद्दा है कुछ है नहीं, अस्थाई रोजगार देश का मुद्दा है बजट में कुछ है नहीं, तो सड़क से संसद तक एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम लोग जनता की आवाज़ उठाएं। राहुल गांधी आज किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, किसानों को कुछ नहीं मिला, पूरा इंडिया गठबंधन किसानों के साथ है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। तो बजट पेश हो चुका है, अब संसद में इस पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20-20 घंटे का समय निर्धारित कर दिया गया है। राज्यसभा में विपक्ष ने बजट में गृह, शिक्षा और कृषि मंत्रालय के प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की है। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ, ना करना, ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना ये पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को
कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया, तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा। और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है, इसका हम कंडम करते हैं। और इस ढंग से बजट पेश अगर होगा, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं सर, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, सो माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी ये तो माताजी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं, मैं अपनी तो बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए,